हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी लोगों के? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? अच्छा, भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी वालेकुम सलाम। जी शेर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया। तो बाकी ये कि एंट्रीज तो थी काफी, तो थोड़ा सा हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, तो जितने लोग आ जाते हैं तो देन फिर हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और बाकी मरहूम भाई, आपको मैंने होस्ट कर दिया है, ठीक है? तो 2 मिनट बाद आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मरगुब भाई, आप मेरा ख्याल है स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम लोग आता रहेंगे, लिंक्स वगैरह तो उनके पास है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग सेट पर एक टॉप लेके आए हैं, जिसमें आप लोग ये के लिए कितने और कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, और इन सेशंस के क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम्स क्या होते हैं, और आपके लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन कौन सा होता है। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं सेशंस के, वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि सेशन किस तरह से ओपन होते हैं, आप कौन सा सेशन ऑन है कौन सा ऑफ है, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेशन ऑन है और किस करेंसीज के अंदर मूव होगी, किस करेंसीज के अंदर मूव नहीं होगी। ये सारी चीजें मैं डीपली आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं ये भी क्लियरली बताऊंगा कि जो मोस्टली
लिक्विडिटी होती है वो किस टाइम पर रिमूव की जाती है मार्केट से, और किस चीज पर किस टाइम पर इन की जाती है। और इस तरह सबसे पहले मैं आपको प्रो ट्रेडर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रो ट्रेडर ग्लोबल के नाम से हमारा ब्रांड है जिसके फाउंडर हैं अमर रजा साहब, और अमर रजा साहब का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इन आईटी फील्ड, और 7 ईयर से 5 ईयर से 7 ईयर हो गए उनको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बिजनेस करते हुए। हमारी प्रोफेशनली जो है हमारा जो हमारी मैथमेटिक है हमारा वो VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अमर रजा साहब जो हैं वो डेक्स स्टूडेंट हैं साजिद खांकोरी साहब के, और अमर रजा साहब का स्टूडेंट हूँ मैं मोहम्मद मरगूब आलम, और मैं अमर रजा साहब के साथ मिलकर प्रो ट्रेडर के लिए इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रो ट्रेडर ग्लोबल का आपको यूट्यूब पे ऊपर चैनल भी मिल जाएगा जिस पर हम हमारी सारी जो होती हैं वीडियोस नॉलेज आपको बेसिक मिल सकता है। मज़ीद अगर आप एडवांस में आना चाहें तो आप हमारे एक्स पर आप के तो आ सकते हैं। हमारे पास से दो तरह के पैकेजेस हम ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। एक हमारे पास पेड कोर्स होता है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ें जो हैं एडवांस टूल्स जो हैं वो करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको इस चीज़ की समझ लें कि ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से मार्केट को रीड आउट करेंगे, मार्केट को किस तरह से लेकर चलेंगे, सेंटीमेंट को आप किस तरह से अपना रीड आउट करेंगे और कहाँ कहाँ से क्या डाटा पिक करेंगे। इसके साथ साथ टेक्निकली मेथड में VSA जो है आपको इसे एडवांस करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ एडवांस टूल भी आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा इसके अलावा हमारा एक सेंटर जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा वो जो है हमने छोटी सी माइनर सी फीस की हुई है वो सिर्फ बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। उसके साथ साथ प्रो ट्रेडर ग्लोबल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अपना जो है IBs प्रोग्राम एफिलेटेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ प्रो ट्रेडर ग्लोबल जो है वो एक्सचेंज की ऑफर भी दे रहा है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कोई ए, ए, फेवर्स चाहिए हो प्रोटोडक्ट डिस्क्लेमर की अगर मैं बात करूं कि आज का हमारा वेबिनार जो है ये सिर्फ तालीमी मकासद के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी एडवाइस नहीं दी जा रही कि आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र से कंसर्न करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि डिसेंट्रलाइज मार्केट किस तरह से ट्रेड की जाती है और किस तरह से मामला जो हैं वो टैकल किए जाते हैं। अगर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, आप लोगों के पास किसी तरह का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप इस फील्ड के अंदर ना ही आएँ तो बेहतर है। एक्सपीरियंस के बिना यहाँ पर मोस्टली लोग जो है लॉस कर बैठते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस पर है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के सेशंस जो हैं वो उनकी क्या तरतीब है मार्केट के अंदर, और किस टाइम पर कौन सा सेशन ओपन हो रहा होता है और कौन सा ऑफ हो रहा होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं जो है इसका बताऊंगा सेशंस के बारे में कि कौन सा सेशंस किस पेज पर ज़्यादा वर्क करता है, और आप लोगों को ये भी चीज़ बताऊंगा कि लिक्विडिटी जो है वो किस पेयर्स के अंदर किस सेशन में इन होती है किस में आउट होती है। उसके साथ सेशंस को अगर आप सपोज दैट कि आप देखना चाहते हैं अभी कौन सा सेशन ऑन है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, एक वेबसाइट बता दूंगा जहां से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा सेशन जो है वो ओपन होने वाला है या कौन सा क्लोज होने वाला है। जी जैसा कि मैंने ऑलरेडी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बेसिकली अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी होती है, उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट होती है कि आपने करना है किस हिसाब से करना है किस तरीके से आपने बिजनेस
उसको इसने कितना रिवार्ड लेना है मार्केट के अंदर से, और उसके बाद जो आपका टेक्निकल मेथड होता है, सारी चीजें सीखने के बाद जब आप अपने डेस्क पर पहुंचते हैं, ये सारी चीजें आपके हैंड में होती हैं, आप इन पर ग्रिप कर चुके होते हैं, तो फिर आगे जो फर्दर स्टेप होता है वो ये चीज होता है कि मैं कब ट्रेड करूं, कैसे करूं, किन पेयर्स पर करूं, कैसे कैसे मैं अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उसको किस तरह से मैं अपना अरेंज करूं। तो इसके ऊपर आज का हमारा सेशन है कि आप ट्रेडिंग किस टाइम किस पेयर्स पर कर सकते हैं और किस सकते हैं, कब सेशन में आपने इन होना है, कब आउट होना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरिकली पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप लोगों के पास जाऊंगा वेबसाइट पर, वहां जाके आपको सेशन से दिखाऊंगा और क्लियर करूंगा कि आपने सेशन को किस तरह से नोट डाउन करना है। यहाँ पर बेसिकली आज फॉर सेशन के अंदर हम चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा जो है इंट्रोडक्शन देता चलता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं कि जो व्हाट इज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग सेशन बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, और ये इनका मार्केट के अंदर क्या रोल होता है। सेकंड चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन कब स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए कि आप सबसे पहले के ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है कि ट्रेडिंग सेशन कब स्टार्ट होते हैं। थर्ड चीज़ जो होती है कि आप ट्रेडिंग सेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा ट्रेडिंग सेशन फिर ऑन है, मुझे किन पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए और किन पेयर्स के अंदर नहीं देखनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पर मैं आप लोगों को समय लेके सुजेशन दूंगा अपनी एक्सपीरियंस बेस पर कि कौन सा सेशन आपके लिए ज़्यादा बेटर है जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जितने भी सेशन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको जिस टाइम सेशन के अंदर टाइम मिलता है आप उन पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करूंगा कि आप कौन सा जो सेशन है वो आपके लिए बेस्ट है। तो लेट्स सी, हम अपना जो लेक्चर है वो बकायदा पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सेशंस होते क्या हैं। बेसिकली जैसा कि ये ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही छत के नीचे बहुत सारी करेंसीज ट्रेड हो रही होती हैं, कमोडिटीज ट्रेड हो रही होती हैं, स्टॉक ट्रेड हो रहा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबली मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका कम्बिनेशन नज़र आएगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपको अमेरिका जो है यूएसए उसका मेन रोल नज़र आएगा, क्योंकि वो इस टाइम पावर है, उसके पास होल्डिंग है ऑल ओवर द कंट्री उसके पास। उसके बाद आपको यूरोप का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मालिक्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनकी करेंसीज फॉरेक्स के अंदर उनका समझ लें कि अपना रोल ओवर हो रही होती हैं, तो वहाँ की जो बैंक्स होती हैं बेसिकली वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, यूएसए की बैंक्स इन्वॉल्व होती हैं, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज हैं, न्यूयॉर्क का सेशन होता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिलाकर बेसिकली चार सेशन जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा चार सेशंस कौन कौन से हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं बेसिकली देखूं तो सेशंस क्यों बनाए जाते हैं, सेशन इसलिए बनाए जाते हैं कि हर कंट्री के अंदर जैसा कि एक निज़ामे कुदरत है कि किसी कंट्री के अंदर डे होता है और किसी कंट्री के अंदर नाइट होती है, किसी कंट्री के अंदर कोई टाइमिंग होती है, तो इन टाइम को यूटिलाइज करने के लिए सेशंस जो हैं वो एक जिस तरह से फॉरेक्स को एक तरतीब दिया गया इस तरह सेशन भी तरतीब की दिए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेन करदार जो होता है वो होता है सेंट्रल बैंक्स का और लोकल बैंक्स का, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कमर्शियल्स होते हैं, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है मार्केट को,
तो इसमें जो सेशन ऑन होता है उस कंट्री की जो बैंक्स हैं वो जो ही ओपन होती हैं तो सबसे पहले वो मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि मार्केट के अंदर ट्रेड ओपन हो, लोग जो अपना बिजनेस कर सकें। तो ये करने के बाद जब वहाँ की बैंक्स ऑफ हो जाती हैं, वर्किंग डे क्लोज हो जाता है, वहाँ पर नाइट हो जाती है, तो वहाँ पर जो सेशन है ऑफ हो जाता है। तो उन करेंसीज के अंदर मोस्टली आपको पेयर्स के अंदर देखने को मिला होगा कि रेंजिंग होना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बार्स बनना शुरू हो जाती हैं, मार्केट जो है कंसोलिडेशन में गिर जाती है। तो बेसिकली ये सारा कंसेप्ट है सेशंस का कि सेशन क्यों बनाए जाते हैं। इसी तरह यूरोप के अंदर अगर हम बात करें तो यूरोप की जो बैंक्स हैं टाइमिंग है उनकी, वो जो ही ओपन होती हैं बैंक्स वहाँ की, तो सबसे पहले मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं कि मार्केट के अंदर बिजनेस जो है स्टार्ट हो सके। उसके बाद जो ही उनकी क्लोजिंग होती है बैंक्स की, तो बैंक क्लोज हो जाती हैं, वो अपना जो लिक्विडिटी है वो मार्केट से उठा लेते हैं बैंक्स, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक रेंजिंग आना शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट डे फिर जब उनका सेशन ऑन होता है तो देन अगेन वही प्रोसेस होता है। ये बेसिकली मार्केट इसी तरह से चल रही होती है। यूएसए का सेशन है, लंदन सेशन है, उसके बाद न्यूयॉर्क का सेशन है, सिडनी सेशन जो है, इनको मिलकर एक एक पूरी चेन बनाई जाती है। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो सेशन के स्टार्ट होने की है कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है, ये मैं आगे डिटेल में आपको स्लाइड के अंदर समझाऊंगा। बल्कि ये स्लाइड यहाँ पर बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को इसका सारा समझाता हूँ। जी यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर के यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है थोड़ा सा। सबसे पहले जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप ये जानते हैं कि फॉरेक्स क्या चीज़ है, उसमें ट्रेड कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसके बाद उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग को बनाता कौन है, उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, उसके बाद एंड पर जाके आपको ये चीज़ सीखना होती है कि अब मैंने इस पर ट्रेड करनी है और कब करनी है। तो इसके लिए जो डिफरेंट हमारे फॉरेक्स के ट्रेडिंग सेशंस जो हैं वो अरेंज किए गए हैं, जिसके अंदर आपको ये देखें, सबसे पहले सिडनी सेशंस की बात हो रही है, टोक्यो सेशन की बात हो रही है, लंदन सेशन की बात हो रही है और न्यूयॉर्क सेशन की बात हो रही है। ये चार सेशंस होते हैं जो कि मार्केट के अंदर अपना कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपको न्यूयॉर्क का सेशन मिलेगा, ठीक है, न्यूयॉर्क आपको क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूयॉर्क का कहाँ की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंदन किस चीज़ को किन कंट्रीज़ को कर रहा है, टोक्यो किन कंट्रीज़ को कर रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को पता भी होंगी। तो ये सारी सेशन जो हैं, अब ये देखें जिस बैंक का जिस कंट्रीज़ का जिस समय लेके एरियाज का कह लें या कंट्रीज का एक कम्बिनेशन होता है, अगर उसको उनको आप रीड आउट करें तो उस सेशन के अंदर वहाँ की बैंक्स जो हैं वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। साफ ज़ाहिर है जब वहाँ की जो लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही होगी तो ऑलमोस्ट वहाँ के जो पेयर्स हैं उनके अंदर एक आपको मूव नज़र आएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पुट करता हूँ कि ये सिडनी है, ये आपको ऑस्ट्रेलियन सेशन ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके साथ जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में उनका सेशन ये बता रहा है, तो साफ ज़ाहिर है उन कंट्रीज के अंदर जो है आपको मूवमेंट नजर आएगी। न्यूयॉर्क जो है आपको पता है कि न्यूयॉर्क जो है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उन पेयर्स के अंदर लिक्विडिटी होगी और मूवमेंट आपको नजर आएगी। जैसा उसके बाद लंदन सेशन आ गया, लंदन सेशन ऑलमोस्ट आपको पता है कि यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह टोक्यो जो है वो जापान हो गया और कैनेडन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेशन के लिहाज से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं बैंक्स। उसके बाद जो सेशंस की अगर मैं बात करूं तो मेन जो फॉरेक्स के अंदर सेशंस हैं, तीन सेशंस उनको यानी कि कंसीडर किया जाता है। ये बेसिकली तो फोर सेशंस हैं लेकिन तीन सेशंस जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़्यादा जिनको कहा जाता है समझ लें।
उसके अंदर एशियन और यूरोपियन सेशन आता है, यूरोपियन के अंदर न्यूयॉर्क सेशन आ गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन सेशन आ गया, उसके अंदर लंदन सेशन आ गया, और उसके बाद टोक्यो आ गया, ठीक है। जो टोक्यो को आप न्यूयॉर्क सेशन भी कह सकते हैं, जो सॉरी लंदन सेशन जो है उसको आप न्यूयॉर्क सेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तरतीब इनकी चल रही होती है। तो अभी आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखें यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर इनकी टाइमिंग्स बताऊंगा कि किस पेज किस जो सेशन है उसकी कब टाइमिंग शुरू होती है। देखें अगर हम सबसे पहले लंदन सेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये समर्स की बात हो रही है जिसमें मार्च और अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की बात हो रही है। इन इन मंथ के अंदर जो टाइमिंग होती है लंदन सेशन की वो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो 8 AM से लेकर 4 PM तक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टोक्यो सेशन की बात करें तो टोक्यो सेशन ये जो टाइमिंग आ रही है ये उनकी लोकल टाइमिंग आ रही है और ये स्टैंडर्डाइज टाइम इंटरनेशनल टाइमिंग आ रही है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो टोक्यो सेशन है वो 1 बजे स्टार्ट होता है और 10 बजे उसकी क्लोजिंग हो जाती है। और उसके बाद अगर हम सिडनी सेशन की बात करें तो सिडनी सेशन जो है हमारे पास वो 10 बजे शुरू होता है और सुबह 7 बजे तक जाता है, 10 PM पर शुरू होता है और 7 AM तक जाता है। इसी तरह अगर हम न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन जो है हमारे पास वो दिन 1 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक जाता है। इसी तरह से लंदन सेशन जो है वो हमारे पास जो है 8 बजे सुबह शुरू होता है और हमारे पास शाम 4 बजे तक कंटिन्यू होता है। तो ये सेशंस हैं, ये देखें ये सारी टाइमिंग्स जो हैं ये आपको भूल भी सकती हैं, इनको जहन में रखना आप के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके लिए आगे जाके ये सारी चीज़ें जो हैं ये आसान कर दूंगा। आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर आप इजीली हर चीज़ को जो है काउंट डाउन कर सकते हैं इजीली जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जी जी पहले बात हो रही थी ऑलरेडी हमारी समर्स की हो रही थी, अब हमारी विंटर्स की होगी बात जिसके अंदर मंथ जो है अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक जो टाइमिंग चल रही होती है जिसमें अभी हमारी करंटली भी सेशन टाइमिंग चल रही है। इसमें अगर हम लंदन सेशन की बात करें तो लंदन सेशन हमारे पास 8 बजे शुरू होता है और 4 बजे एंड होता है। अगर हम टोक्यो की बात करें तो ये हमारे पास 12 बजे जो है शुरू होता है और 9 बजे एंड हो जाता है। इसी तरह सिडनी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 8 बजे शुरू होता है और 5 बजे एंड हो जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है, इसकी अगर हम टाइमिंग नोट करें तो ये हमारे पास टाइमिंग आ रही है इसकी भी 1 बजे दोपहर हमारे पास शुरू होता है ये और जो है रात 10 बजे तक हमारे पास चलता है। तो ये बेसिकली इनमें 1 घंटे का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में डिफरेंस होता है गर्मी और सर्दी के अंदर। तो इन चीज़ों को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। अभी जो इन सेशंस की अगर बात करें तो ये सेशंस देखें जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ बता दिया, कुछ आप लोगों ने थोड़ा सा अपने तौर पर भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है और आज इंटरनेशनल डिजिटल दौर है तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है कि आप गूगल पर सर्च करें तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि लंदन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, न्यूयॉर्क में कौन कौन से आ सकते हैं, टोक्यो सेशन हो गया, और इनको अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट गूगल पर तो आपको इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी जो है मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पर आपको इन सेशन को बिल्कुल क्लियरली और इजीली आप इन सेशंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं और जिस टाइम मर्जी आप इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपको टाइमिंग इंटरनेशनल बता रही होगी।
ये देखें हमारे पास है जी फ्रैक्स लाइव, ठीक है। इस फ्रैक्स लाइव को आप फंडामेंटल्स की न्यूज़ के लिए भी रीड आउट करते हैं, हमारी रिकमेंडेशन होती है कि यहाँ पर ये प्रॉपरली न्यूज़ आ रही होती हैं टाइम पे टाइम के साथ, तो यहाँ पर आपने इनको प्रॉपरली ये हम रीड आउट करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपने यहाँ पर जितनी भी न्यूज़ आ रही होती हैं साथ साथ रीड आउट करनी होती हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि फंडामेंटली मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। उसके साथ ये देखें ये ऊपर एक बार चल रही है, यहाँ पर आपको टाइमिंग जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये आपके पास लंदन सेशन चल रहा है, ये आपके पास सिडनी सेशन चल रहा है, ये न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, और ये आपके पास टोक्यो सेशन चल रहा है। इनकी ये टाइमिंग चल रही है यहाँ पर, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टाइम चल रहा है। यहाँ पर आप जब भी इस साइट को खोलेंगे तो ये देखिए टाइमिंग चल रही है जो कि आपको शो करवा रही है कि जो भी टाइम हुआ है। अब देखें ये लंदन सेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखें 1 बजने वाला है, और मुझे पता है कि 1 बजे सेशन जो है वो लंदन सेशन ऑफ होना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा लंदन सेशन जो है वो ऑफ होने वाला है। उसके बाद जैसा कि अब ये देखें न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ पर 8 बजने वाले हैं, तो मैं इस चीज़ को क्लियरली समझ जाऊंगा कि मार्केट के अंदर ये न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ओपन होने वाला। इसी तरह टाइमिंग जो आपको बता रही है मोस्टली जैसा कि पाकिस्तान के अंदर टाइमिंग होती है मोस्टली जो बैंक की ओपनिंग टाइम होती है 8-9 बजे का टाइम होता है, तो 1 घंटे के मोस्टली जब भी कोई इदारा खुलता है तो 1 घंटे के बाद लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो ये एक समझ लें कि आप लोगों के लिए इजी हो गया काम के, ये समझ लें कि 9 बजे अगर टाइमिंग है 9 बजे, आप पता है कि न्यूयॉर्क सेशन जो है यहाँ जब 9 बजेंगे तो हमारा सेशन जो है वो हो जाएगा, हमारा सेशन जो है वो ओपन होने शुरू हो होने के करीब आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको देखेंगे कि 1 घंटे के बाद मेरी लिक्विडिटी जो आ जाएगी। इसी तरह से चारों सेशंस आपके सामने क्लियर हैं, आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं जी। आज का ऑलमोस्ट जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। सेशंस के बारे में अगर इनके बारे में आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कर लें, फिर आगे देखते हैं वन बाय वन। अगर आपका कोई क्वेश्चन आया तो आप पुट कर सकते हैं। जी सुलमान, आपने हैंड रेज किया, काइंडली माइक ओपन करके आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जी भाई, वालेकुम जी सलाम। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि आपने ये तो बताया नहीं कि ट्रेडिंग सेशन के ऊपर ट्रेड कैसे करें, रिपीट कर दें अब। जी मैं जी जी मैं बता देता हूँ, कोई मसले हैं मोस्टली आप लोगों को पता है कि जैसा कि यूएसए जो है स्टेम पावर है उसके पास है, और दुनिया के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है सबसे ज़्यादा डॉलर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो मेरी रिकमेंडेशन होती है, हम मोस्टली जो देखते हैं हमारा जो टारगेट होता है वो लंदन सेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर लंदन की सेंट्रल बैंक और वहाँ के बैंक्स ओपन होते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडी होती है, और यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम उनको मोस्टली देखते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें दूसरे पेयर्स की, यूरोप के पेयर्स की, तो साफ ज़ाहिर है वो आपको जो है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क का सेशन जब भी आपका ओपन होगा तो ऑलमोस्ट आपके यूरो के और पाउंड के पेयर्स जो हैं उनके अंदर लिक्विडी मौजूद होगी और मार्केट आपको नज़र आएगी, मूवमेंट नज़र आएगी। इसी तरह से जो सिडनी सेशन है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जितने भी कंट्रीज हैं उनके पेयर्स के अंदर आपको नज़र आएगी। इसी तरह टोक्यो का जो है उसमें JPY आ गया और कैड आ गया, और दूसरा एक और है ऑलमोस्ट अभी मेरे माइंड से निकल गया, एक और करेंसीज है, ये तीनों आ गई। उन पेयर्स के अंदर आपको साफ ज़रा लिक्विडिटी मौजूद होगी तो आपको मूवमेंट्स नज़र आएगी। तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को आपने इस तरह से देखना है कि कौन सा सेशन ऑन है, मैं किस
टाइम आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हूँ, जिस टाइम आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे उस सेट पर सबसे पहले आप देखें कि कौन सा सेशन ऑन है, जो सा सेशन आपका ऑन है उन पेयर्स को आप देखें कि मैंने इन टेक्निकल मेथड को यूज़ करते हुए, अपनी स्टडी को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि उस जिस सेशन में आप बैठे हैं उस सेशन का कोई फंडामेंटल तो नहीं है। फंडामेंटल को देखने के बाद उसका सेंटीमेंट क्या चल रहा है, और उसके बाद आपका टेक्निकल क्या कह रहा है, और अपने उन पेयर्स के अंदर ट्रेड जो है अपनी फाइंड आउट करनी है सेल या बाय की। जी ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें आप, मैं आंसर करूंगा। जी शुएब आप काइंडली क्वेश्चन करें, आपने हैंड रेज किया है। सर सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि जब सेशन सर किसी कंट्री का ऑफ होगा तो सर उनकी करेंसी डाउन होगी या अप? जी मैं आपका आंसर कर रहा हूँ शेब, इसमें देखिए मेरी बात सुने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी ये बात की थी और मैंने अभी भी आपको बात कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट करेंसी कभी भी सेशन के ऑफ ऑन होने से जो है वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हमेशा करेंसी जो है वीक या स्ट्रॉन्ग टेक्निकली होती है या फंडामेंटल सेंटिमेंट की बेस पर होती है। अब सपोज दैट के मैं आपको एक एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ कि अगर सपोज दैट के समझ लें कि यूरो यूएसडी जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, अब अप ट्रेंड के जाते जाते जो न्यूयॉर्क का सेशन है वो जो है वो ऑफ हो गया। अब लंदन सेशन की अगर बात करें तो लंदन सेशन भी ऑफ होने वाला है, तो आपको पता है कि दोनों सेशन ऑफ हो गए हैं, तो अब क्या है ना यूएसडी की करेंसी जो है उसके बैंक्स ओपन है वहां लिक्विडिटी है ना यूरोप के अंदर है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट जाएगी तो अब ट्रेंड में ही, लेकिन वहां पर मार्केट छोटी छोटी बाज बनाना शुरू कर देगी, रेंज बनाना शुरू कर देगी, जो ही नेक्स्ट डे मार्केट जो है ओपन होगी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी तो एकदम से बूस्टर मारेगी मार्केट और एक लॉन्ग बार बनाते हुए कैंडल बनाते हुए मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मतलब बात करने का ये है कि जब मार्केट के दोनों करेंसीज के सेशन ऑफ हो जाएंगे तो तब क्या आएगा मार्केट के अंदर इम्पैक्ट, के मार्केट जो है समझ लें कि स्लीपिंग मोड में चली जाएगी, रेंजिंग में चली जाएगी। और बाज दफा ऐसे भी होता है कि एक सेशन जो है वो ऑफ होता है लेकिन दूसरा सेशन ऑन होता है, तो आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि देखें यहाँ पर कैसे मूवमेंट आ गई, तो वो ऐसे होता है कि सपोज दैट के लंदन सेशन जो है वो ऑफ हो चुका है लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ऑन है, ठीक है, तो साफ यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं उनकी लिक्विडिटी जो है वो तो मार्केट से आउट हो गई है, वो तो स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, लेकिन यूरोप के जितने भी पेयर्स हैं उनके अंदर जो लिक्विडिटी है वो मौजूद है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है। ठीक है ओके सर थैंक यू। जी वेलकम, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पुट करें आप। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सेशंस क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के आपको कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन जो थे वो मैंने ले लिए हैं और मार्केट के आपको एक्सप्लेन भी कर दिया अभी हम अपने सेशन को एंड की तरफ लेके चलते हैं।
एंड पर मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि हमारी एफएक्स फॉरएवर की टीम की बहुत सर्विसेज हैं आप लोगों के लिए। ये लोग बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको जो है एडवर्टाइजिंग हर चीज़ आप लोगों को समय लेके प्लेटफॉर्म मुहैया किया उन्होंने आपको फ्रैक्स सीखने के लिए, फ्रैक्स को जांचने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप एफएक्स फॉरएवर की टीम के साथ तावन किया करें, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है कि एफएक्स फॉरएवर की टीम्स जो है उसके डिफरेंट प्रमोशन चलती रहती हैं, जिनके अंदर आजकल उनकी प्रमोशन ऑलमोस्ट ये सब आ रही, इनकी प्रमोशन अपने फ्री ट्रायल जो है के लिए ऑफर कर रहे होते। तो अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं कर सकते हैं, तो इसके बाद अगर मैं जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, अगर प्रो ट्रेडर ग्लोबल की बात करें, अगर आप उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, एडवांस लेवल का नॉलेज जो है आप लेना चाहते हैं, प्रॉपरली चीज़ों पर ग्रिप करना चाहते हैं, एडवांस टूल्स पढ़ना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई एक्सचेंजिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या आईबीज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्रो ट्रेडर ग्लोबल्स के आप हमारी एफएक्स फॉरएवर की टीम से ये व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया है इस पर आप तक आप प्रो ट्रेडर ग्लोबल से रब्ता कर सकते हैं। एंड पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो वेबिनार है इसको आप इसके बारे में रिव्यूज लाजमी दीजिएगा कि नेक्स्ट आप लोगों को किन टॉपिक्स पर जो है वेबिनार चाहिए, ताकि हम आप लोगों को उस पर वेबिनार दे सकें। इसके साथ साथ ही आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।